गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं मैथ की क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। किस क्लास की? 9th क्लास के लिए। तो मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th का मैथ समझने के लिए काम आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, जितने भी आप ले पाए जरूर क्लास में, उसके बाद आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है पॉलिनोमियल। तो पहले हम जो है फटाफट से सीख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक की पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा दिखता है, और जो है जो भी इसकी बेसिक चीज है वो सब हम यहाँ पर फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कि आप क्या समझते हो पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिनोमियल बच्चों ऐसा एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ये? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप बोलेंगे ये एलजेब्रिक क्या है ना, और एक्सप्रेशन क्या है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको पहले पॉलिनोमियल सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच, जिसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ दी वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। जिसमें आपकी जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगी। अगर होल नंबर के अलावा कोई और आपकी डिग्री में आपको मिलता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप पहले बताएं कि एलजेब्रा क्या होता है। तो एलजेब्रा बच्चों आपने जो है मैथ में बहुत सारे नंबर देखे हैं, है ना, बहुत सारे आपने नंबर देखे हैं। देखिए 1, 2, 3, 60, 800, ये सारे आपने मैथ में नंबर देखे होंगे। और आपने जो है वो इंग्लिश में अल्फाबेट्स भी देखे हैं, है ना, ए बी सी डी सो ऑन, एक्स वाई जेड। तो जब आपके जी नंबर, ठीक है, जब आपके नंबर्स और आपके अल्फाबेट्स के बीच में ऑपरेशंस होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है, ऑपरेशन, किस किस के बीच में, नंबर्स और अल्फाबेट्स के बीच में, तो उसी को उस जो वो ब्रांच है, ठीक है, मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो ऑपरेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल के बारे में स्टडी करती है, उसी को हम कहते हैं एलजेब्रा, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो आपके पास क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है, मतलब आपके पास एक ऐसे डिजिट्स होंगे और आपके पास ऐसे अल्फाबेट्स होंगे। इन दोनों के बीच जब कोई ऑपरेशन होगा तो वो हम किस में आ जाते हैं, वो एलजेब्रा में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 + a, तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, नंबर भी है ना, और हमारे पास वेरिएबल भी है। तो जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं हम उसे? कांस्टेंट टर्म, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर 5 लिखा गया है तो ये 5 ही है, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और नहीं लिख सकते। अगर ये 5 है तो यहाँ पर इसको हम 5 ही कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ए, जो ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब देखिए इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी करते हैं। वेरी करना मतलब कि ये बदलते हैं, ये बदलते रहते हैं। यहाँ पर कभी जो है वो कुछ वैल्यू आएगी, कभी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर छुपा है, कौन सा नंबर छुपा है वो हमें नहीं पता। तो अभी आपको समझ आया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो डिग्री है हमारे वेरिएबल की, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पॉइंट आउट करें कि जो डिग्री है आपके वेरिएबल की वो ऑलवेज जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ही वो जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे मैम, मैंने फाइव यहाँ पर प्लस लिख वन दिया है, वन वेरिएबल भी है। हाँ जी, 5 + 1 वेरिएबल भी है। 1 5 + 1, नहीं बेटा 1 नहीं है वेरिएबल, है 1 तो ए। नंबर है ना, ए। हम पहले यहाँ पे आप मेरे को एक एग्जांपल बताएं, उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है 4x³ + 9x + 6। तो बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस जिन बच्चों मैम, को मेरी आवाज नहीं आ यस रही वो मैम, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, ठीक है।
हाँ ये एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो आप देखेंगे कि वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल आपका एक्स है, ये भी एक्स है, और एक्स की पावर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब आपकी पावर कुछ भी नहीं होगी तो वहां पर हमेशा एक होगा, 1 होगा, तो इसकी पावर है 1, इसकी डिग्री है 3, इसको आप डिग्री कहो पावर कहो एक ही बात है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है और इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो मतलब इन दोनों की डिग्री कैसी है, होल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये एक पॉलीनोमियल होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे लिखूं 5 x रेज टू पावर 3/4 प्लस 9 y प्लस z, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो मैम, नो मैम। हाँ क्यों नहीं है, आप इसका रीजन भी बताएं। क्योंकि इसके अगर हम वेरिएबल देखें तो ये एक इसका वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, इसकी तो हमारी जो डिग्री है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन जो एक्स की डिग्री है वो 3/4 है, कैसी है, 3/4 है, और 3/4 क्या ये एक होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं no, है, है ये जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं है, तो बस यहाँ पर सारा का सारा डिग्री का खेल है, किसकी डिग्री, वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखती 5 raised to power 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? नो मैम, यस मैम। बाकी के बच्चे भी बताए क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? ठीक है, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, तो बच्चे ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री देखिए, बाकी कुछ नहीं देखना है, अपना वेरिएबल उठाइए, वेरिएबल की डिग्री देखिए, तो इसकी डिग्री तो 2 है, ये एक होल नंबर है, जी हाँ ये एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, वो 5 की अगर आप देख रहे हो अपनी 5 की डिग्री, तो 5 की डिग्री 3/4 है, लेकिन 5 तो वेरिएबल नहीं है ना, 5 तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म जैसी मर्जी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ अपने वेरिएबल से, ठीक है, सिर्फ अपने वेरिएबल से। तो चलिए एक एग्जांपल इसके करते हैं, फिर फटाफट से आपका क्वेश्चन करेंगे जो आप कह रहे हो। पहले मुझे बताएं 3 √x + y क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैम, यस मैम। सभी बच्चे बताएं, यस मैम। सभी बच्चे कह रहे हैं ये पॉलिनोमियल है, लेकिन बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? नो मैम। देखिए देखते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये आपका स्क्वायर रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है, जब भी आप इस स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, स्क्वायर रूट को अगर आप पावर में कन्वर्ट करना चाहो तो इसकी पावर कितनी होती है, इसको अगर हम पावर में लिखें तो कितना हम लिखेंगे? मैम अब तक आपने जो पढ़ाया है एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो बहुत टाइम हमारा चला जाएगा, है ना, अभी आप ये वाला कंसेप्ट सीखें, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप मुझसे जो है वो क्लास के एंड में जरूर पूछें, ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम रिपीट करेंगे तो। ओके मैम। बेटा क्या डाउट है आपका, अगर आपका डाउट इससे रिलेटेड है तो आप पूछें, जो अभी लिखा है शांत आपने, अगर आपका डाउट 2.5 से या फिर किसी और से रिलेटेड है तो अभी मैं वो नहीं ले सकती, क्योंकि अभी हम 2.1 के बेसिक क्लियर कर रहे हैं, मतलब पॉलीनोमियल के बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इसकी पावर कितनी होती है, इसकी पावर होती है बच्चों हाफ, कितनी होती है, हाफ होती है, 1/2 होती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो आपका जब भी आप स्क्वायर रूट को चेंज करोगे पावर में, डिग्री में, तो ये हमेशा कितना आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये एक होल नंबर जो है वो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी आपका जो वेरिएबल है, कभी भी आपका वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर अगर आपका रूट लगा है तो वो कभी भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, इतनी सी बात आपने याद रखनी है। फटाफट इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका वेरिएबल कभी भी अपॉन में है, अगर आपका वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में है, किसमें है, डिनोमिनेटर, तब भी आपका जो पूरा ये एक्सप्रेशन होगा इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सॉरी आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, और 6 की पावर है 4, ठीक है, तो हम हमेशा
नीचे वाले टर्म को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे अपॉन में कुछ भी रहे। तो जब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फाइव है ठीक है, जब मैं इस सिक्स को ऊपर लाऊंगी तो क्या होगा, ये सिक्स और इसकी जो पावर होगी वो हो जाएगी माइनस, माइनस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव का फोर है, जब सिक्स ऊपर आया तो ये हो जाएगा माइनस फोर, क्या हो जाएगा माइनस फोर। आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है, क्या रखना है याद, अगर डिनोमिनेटर से आप किसी चीज को ऊपर लेके आते हो तो उसकी जो पावर है अगर वो पॉजिटिव में है तो ऊपर आके वो नेगेटिव हो जाएगी। तो वैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं फोर अपॉन एक्स, एक्स की पावर यहाँ पर वन थी ठीक है, एक्स की पावर यहाँ पर वन थी, फोर ऐसे का ऐसा है मल्टीप्लाई एक्स को मैंने ऊपर लिख लिया, अगर मैं एक्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आई तो इसकी पावर अब क्या बन जाएगी बच्चों, नीचे वन है तो ऊपर कितनी बन जाएगी माइनस वन, बहुत अच्छे माइनस वन, ये देखिए इसकी पावर क्या हो गई नेगेटिव, और क्या ये एक होल नंबर है, यस वन, यस मैम, माइनस वन एक होल नंबर है, नो नहीं, नो एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, मतलब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये भी पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है अगर आपका वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में है तो वो भी हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा, अगर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का सॉरी अगर जो है हमारा कोई नंबर या कोई कॉन्स्टेंट टर्म अगर हमारे डिनोमिनेटर में हो तो चलेगा, तो इट्स फाइन, तो ये चलेगा, लेकिन हमारा वेरिएबल कभी भी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ठीक है। चलिए तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो भी हम करेंगे ठीक है। पहले आप इस एक क्वेश्चन का आंसर दे दें फटाफट से। आपने बताना है यहाँ पर कौन है जो पॉलीनोमियल है और कौन है जो पॉलीनोमियल नहीं है ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं वाई प्लस टू अपॉन वाई, क्या ये एक पॉलीनोमियल है? अपना माइक ऑफ करें ठीक है। तो ये एक पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए वाई का तो वाई है ना, प्लस करेंगे तो ये टू है, और जब हम इस वाई को ऊपर शिफ्ट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई, और वाई की पावर बन जाएगी माइनस वन, और माइनस वन जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलीनोमियल नहीं होगा ठीक है, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं होगा ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे वाला बताए। हाँ जी मैम, इसमें y की माइनस वन पावर है। हाँ देखिए यहाँ पर ये टू अपॉन y है ना, तो जब हम y को ऊपर लेके जाएंगे ऊपर शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा टू इंटू वाई की पावर माइनस वन, क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है और उसको आप न्यूमिनेटर में लाते हो तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर नीचे इसकी पावर वन थी, इसको मैंने ऊपर लाया, ऊपर आया तो इसकी पावर जो है वो माइनस वन बन जाएगी ठीक है, इसलिए इसकी पावर हम कह रहे हैं कि वाई की पावर माइनस वन है ठीक है। चलिए तो अभी आपको पता है कि पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, अगर पता है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं पता तो एन टाइप कर दीजिए। पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, नो मैम, ठीक है चलिए फटाफट से यहाँ पर देखते हैं हम, मैम पता है ठीक है ठीक है। तो देखिए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जब आपके पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको नजर आ रहा हो, सिर्फ वन वेरिएबल आपको अगर नजर आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे यह है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। जिसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये एक पॉलीनोमियल मैंने यहाँ पर लिखा, और दूसरा है नाइन वाई क्यूब प्लस एट जेड प्लस सेवन एक्स ठीक है। तो अभी आप बताएं कि ये वाला जो आपका पॉलीनोमियल है इसमें आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, तो वो है वन ठीक है, नहीं बेटा थ्री नहीं होंगे, वन वेरिएबल होंगे। वेरिएबल होता है ये देखिए ये और ये, लिखे दो बार गए हैं बेशक, लिखा हमने इनको दो बार है लेकिन है तो ये एक ही ना, है तो ये एक्स ही है ना, कौन है तो ये एक्स ही, तो हम कहेंगे इसको कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल है ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे थ्री, यहाँ देखिए हाँ इसमें थ्री है, वाई है, जेड है और एक्स है, तो तीन है देखिए यहाँ पर, थ्री वेरिएबल्स है यहाँ पर, कौन कौन से, वाई जेड एंड एक्स, तो इसको हम कहेंगे ये कैसा पॉलीनोमियल है, ये थ्री वेरिएबल्स वाला पॉलीनोमियल है ठीक है, पॉलीनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो बिल्कुल सिंपल होता है, अभी आपको समझ आ गया बच्चों, एक ही आपको बार बार नजर आ रहा हो तो वन वेरिएबल, एक से ज्यादा नजर आ रहे हो तो जितने होंगे उतने ठीक है, अगर एक ही रिपीट हो रहा हो तो उसको कहेंगे हम वन वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल, अगर एक से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं तो उनको हम जितने भी आपको दिख रहे हैं उतने आप उनको लिख दो ठीक है। अभी हम
अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके जो पॉलीनोमियल होते हैं उनकी टर्म्स कितनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक ही टर्म होगी तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्म्स होंगे तो उसको हम कहेंगे बायनोमियल। मैम थ्री होंगी तो ट्रिनोमियल, मैम थ्री होंगी तो ट्राइनोमियल। हाँ, ट्राइनोमियल ट्रिनोमियल जो भी आप इसको कहें, है ना, ठीक है। तो अब ये टर्म्स का पता कैसे लगाया जाए कि कितने टर्म्स इसमें है, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि टर्म्स जो है वो आपस में चार होगी तो मैम चार होंगे तो उसका नाम होता है कुछ क्वाड्रेटिक या फिर बाइक्वाड्रेटिक ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वैसे भी आपको चार टर्म वाले पॉलीनोमियल नहीं है तो इसलिए आपको उसको अभी मतलब आपको नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। पर क्वेश्चन आपका ठीक था लेकिन इसका मैं आपको जो हूँ जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पर अभी आपको तीन तक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी टर्म्स इसमें है, तो आपको टर्म्स हमेशा किससे जो है वो डिफरेंशिएट होती है, एक तो प्लस से और दूसरा माइनस से। अगर किसी पॉलीनोमियल में आपको प्लस और माइनस जो है नजर आ रहा है तभी आप उसकी टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, अगर आपको प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा तो आप उसको कहोगे कि ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर ले लेते हैं हम 4x, बार बार 4x ही आ रहा है, चलिए 10 दोबारा रिपीट करना पी, ठीक है। जो आपकी टर्म्स होंगी वो प्लस और माइनस के साइन से जो है वो डिफरेंशिएट की जाएंगी, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस का साइन नहीं नजर आएगा तो आप जो है उसको एक ही टर्म मान के चलोगे। मैं जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एग्जांपल लेके, यहाँ पर है 10p³ प्लस 9q² प्लस 3z सॉरी -3z। तो भी आप मुझे बताएं यहाँ पर कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इस प्लस ने और इस माइनस ने इनको डिफरेंशिएट किया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। पर अगर आपका कुछ ऐसा हो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है बेटा क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा होता 5p q r s, अब बताएं ये कितनी टर्म्स है, ये हमारा मोनोमियल है। क्यों है मोनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस या माइनस का जो है हमें जो है ऑपरेशन नहीं दिखी, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है मोनोमियल। तो बस आपको यही पता होना चाहिए मतलब कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इतना सबको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस होगा तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, नहीं होगा तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछे, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मैम अगर कॉमा हो तो प्लस माइनस की जगह, कॉमा हो तो वो बहुपद सॉरी पॉलीनोमियल नहीं होगा ना। कॉमा अगर होगा तो देखिए ऐसा लिखा है अगर, तो वो कॉमा उसको हम जो है वो पॉलीनोमियल नहीं मानेंगे। पॉलीनोमियल क्या होगा कोई ना कोई ऑपरेशन लगी हुई होगी, ठीक है। चलिए मजा आ गया, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिसमें सभी मतलब की मैक्सिमम बच्चों को डाउट है। मैम अगर जिसमें कॉमा लगा होगा तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी, कॉमा वाले क्वेश्चन बच्चे इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमा वाला नहीं है जहाँ पे आपको पूछा गया है। यस मैम, कॉमा वाला नहीं आएगा आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव ही जो है वो मतलब कि प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वाले साइन आपको आएंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपके आपने जो है वो ऐसा पॉलीनोमियल बना के दिखाना है जिसकी डिग्री 35 हो और जो एक बाइनोमियल हो। तो बाइनोमियल का मतलब कितनी उसमें टर्म्स होनी चाहिए, दो, टू, टू, ठीक है, टू उसमें टर्म्स होनी चाहिए, दो उसमें टर्म्स होनी चाहिए, और उसकी डिग्री मतलब डिग्री का मतलब है कि उसका जो वेरिएबल है उसके सिर पे पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए बेटा यहाँ पर 35। तो चलिए बनाते हैं, पहले मैं अपना कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया मान लीजिए 5z, ठीक है, मैंने 5z ले लिया और मुझे कहा गया है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मैं इस z की डिग्री कितनी लूंगी, 35 ही मुझे जो है वो लेनी होगी, ठीक है 35। और क्या ये मेरा जो है वो बाइनोमियल बन चुका है, नहीं, क्योंकि एक ही है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी करो, प्लस लगा लो, ठीक है, प्लस 2 या माइनस लगा लो, जैसे इन्होंने कहा प्लस 2 है ना, ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर
फाइव जेड की डिग्री 35 माइनस 6 आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपने 5z नहीं भी लिखना, आप सीधे लिखिए y की पावर 35 प्लस 8, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस क्या होना चाहिए जो आपका वेरिएबल है। 5 और z के बीच में लगा सकते हैं ना प्लस, तो भी हो जाएगा 5 और z के बीच में, हाँ 5 प्लस जेड 35 तो भी हो जाएगा, कुछ भी आप करें, बस आपकी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए 35 और टर्म्स होनी चाहिए 2, क्योंकि आपको पूछा है बाइनोमियल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने अपनी मर्जी से आप कुछ भी इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तो अगला आपको पूछा गया है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होनी चाहिए सिर्फ, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 100। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आपने बिल्कुल ही सिंपल लिखना हो, 2y डिग्री, हाँ मैम x की पावर 100 आप लिख सकते हो, है ना, या फिर आप लिख सकते हो 33y की पावर 100, या आप लिख सकते हो, देखिए क्योंकि हमको जो है बस बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, बाकी आप कुछ भी लिखे, ए बी सी की पावर 100, देखिए ये भी मेरा क्या है मोनोमियल है, क्यों है मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, ये भी एक ही टर्म है, और डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 100 है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, बस अपनी डिग्री का ध्यान रखें और अपनी टर्म्स का ध्यान रखें, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था, बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया, यस मैम, ठीक है, बहुत अच्छे। और किसी का 2.1 में कोई डाउट है, नो मैम, चलिए तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है। 2.2 में किसी का कोई डाउट है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल अगर किसी को नहीं पता तो आप मुझे बताएं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप बच्चों आप मुझे बता सकते हो, अगर पता है तो वाई टाइप करें, नहीं पता तो आप नो करें, हम नहीं पता, ठीक है। चलिए हम अब सीखेंगे कि क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। बच्चों को पता तो बच्चे आप बताएं क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, कोई भी एक बच्चा बता सकता है, इसकी पावर जीरो, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत हो चुका है, ये जीरो नहीं कहा गया है, जीरोस। और कोई बताना चाहता है अगर तो फटाफट से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसकी वैल्यू पर जीरो पुट करते हैं, नहीं बेटा वैल्यू पर जीरो पुट नहीं करते हैं, है ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलीनोमियल equal to zero, ठीक है, ऐसा polynomial, sorry, ऐसी value variable की, वो value जिसको आप अपने polynomial पे जब put करोगे तो आपका जो answer है वो zero आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं zeros of polynomial, क्या कहते हैं उसे हम, zeros of polynomial, ऐसी value जिसको मैं अपने polynomial के variable में put करूं तो मेरा जो answer हो मेरा जो answer हो वो क्या हो, जीरो। एक मिनट का मुझे समय दे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, उस वैल्यू को, उसके आंसर को नहीं, उस वैल्यू को। तो अभी आपको थ्योरी समझ आ गया, अब इसका फटाफट से हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उससे आपको जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना एक पॉलीनोमियल लिखा, मैंने जो है अपना एक पॉलीनोमियल लिखा एक्स माइनस 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी जो है वो इसकी वैल्यू चेक करते जाएंगे, पहले अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ली, मैंने पहले मान के चली कि x की जगह पे मैं एक लिख देती हूँ, तो मैंने x की वैल्यू जब 1 लिखी उसमें से माइनस किया 3 को, तो मेरा जो आंसर आया बच्चों वो आया -2, क्या आया -2। तो क्या x इक्वल्स टू 1 जो है वो इस पॉलीनोमियल का जीरोज होगा,
क्या हम कहेंगे कि नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें तो जीरो चाहिए आंसर में, हमें यहाँ पर जीरो चाहिए, और ये क्या, ये माइनस टू है, तो इसने जो है वन ने मुझे जीरो ला करके नहीं दिया, तो इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं है, ठीक है? अगर मैं एक्स का भी कर दूं तो ठीक है, ठीक है, आपका आंसर अभी ठीक है, पर अभी देखते हैं माइनस वन रखे तो माइनस वन रखे, चलिए चेक करते हैं, अगर हम इसको रखे माइनस वन, मैंने रख दिया माइनस वन। अब देखिए माइनस का वन और माइनस का थ्री दोनों के पास कैसे कैसे साइन है, है ना, ये दोनों सेम साइन है, सेम है तो एड होंगे, फोर आएगा माइनस, देखिए अभी भी जीरो नहीं आया, अभी भी क्या आया हमारे पास माइनस का फोर, तो मतलब माइनस वन भी इसका जो है वो जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं थ्री, चलिए थ्री यहाँ पर मैं पुट अगर करूं एक्स की जगह पर, तो थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, अब यहाँ पर जीरो आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स की जो वैल्यू है थ्री, तो मतलब थ्री क्या है वो इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, क्या होगा, या आप इसको जीरो बोल सकते हो, या फिर मतलब ये क्या है, इसका जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल है कौन, हमारा x इक्वल्स टू थ्री, तो ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू जो हमारे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल बना दे, उसी को हम कहेंगे कि ये इसका जो है वो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल है। तो अभी आप सभी को समझ आया क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल? यस मैम। ठीक है, फटाफट से इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। एक होता है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, आपको क्वेश्चन आएगा कि इसका जीरो फाइंड करो, एक क्वेश्चन होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। तो इसमें बच्चों ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आए, ठीक है, इसमें आपकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमें मुझे दिख रहा है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड कीजिए किस पर, अगर आपके x को हम 2 के इक्वल लिख दे, अगर आपके x को हम 2 के इक्वल लिख दे तो बताइए कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पता करते हैं, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखते जाएं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि x था तो 2 लिख दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 2 का यहाँ पर जो है वो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और प्लस का 3, 5 टू जा होता है 10, 4 का 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा कितना होता है 4 प्लस 3, सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 16 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस 3 माइनस 3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस 3 आया, तो इसका मतलब है कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जो है वो माइनस 3 होगी जब हम इसमें x को जो है वो 2 के इक्वल लिखेंगे। तो अभी हमने दो चीजें सीखी, पहला ये कि जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है, जो जीरो होते हैं पॉलीनोमियल के वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऐसी वैल्यू जो आंसर हमें जीरो ला करके दे दे, और वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है, तो वो कुछ भी हो सकती है, हम x की जगह पे अगर किसी चीज को पुट कर रहे हैं तो उसके आंसर में जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसी को हम अपना वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है कि आपको एक पॉलीनोमियल दिया गया होगा और आपको पूछा गया होगा कि पता कीजिए कि इसके वेरिएबल एक्स की जगह पर अगर आप 2 लिखते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस क्या करना है, अपने वेरिएबल के प्लेस पर वो वैल्यू लिख दीजिए। एक्स अगर 2 के बराबर है तो जितने भी यहाँ पर एक्स है उनकी जगह पर क्या लिख देना है, आपने 2 लिख देना है। तो मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर जो है एक्स का स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पर 2 का भी जो है वो स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस का 3 जैसे लिखा है वैसे मैंने लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो 10 आया, यहाँ पर 4 इंटू 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आया 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 में से 16 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा प्लस 3, माइनस के 6 में 3 ऐड करोगे तो माइनस का 3 आएगा, कैसे आएगा ये हम इंटीजर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है? ओके मैम। चलिए, तो अब देखते हैं, अभी हमने देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं और हमने देखा कि जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं। ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा ना? हाँ, ग्रेटर का, यहाँ ग्रेटर देखिए, यहाँ पर ग्रेटर 6 था तो इसका लगा, 16 ग्रेटर था तो यहाँ पर इसका लगा और यहाँ पर 6 का लगा, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि जीरोज होते क्या है, पर आपको पता होना चाहिए कि जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, एक मिनट, पॉलीनोमियल एक्स माइनस
16, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने बैठ गए तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है यहाँ पर 16 आएगा, पर अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, आपने अपना पॉलीनोमियल उठाइए, क्वेश्चन का पॉलीनोमियल उठाइए और उसको जो है वो इक्वल कर दीजिए जीरो के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जीरोज होते हैं वो हमारे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल, मतलब कि जीरो, ठीक है, जीरो के इक्वल बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना पॉलीनोमियल लेंगे, उसको जो है वो जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो आपने हर केस में ऐसा ही करना है, जब भी आपको पूछा जाए कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल है उसको लिख लीजिए, उसको इक्वल टू जीरो कर लीजिए, फिर अपने पॉलीनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वेरिएबल को बिल्कुल अकेला कर देंगे। कैसा कर देंगे? बिल्कुल अकेला। तो मैंने यहाँ पर एक्स को बिल्कुल अकेला लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये 16 है ये इसके साथ बैठा हुआ है, तो ये इसको अकेला नहीं रहने दे रहा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 16 को इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू के उस तरफ कैसे भेजेंगे, तो पहले तो हम लिख देंगे x अकेला इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद कौन है, जीरो। जीरो यहां पर आ गया। अब जो 16 है वो इक्वल टू के उस तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 16 कर दीजिए, जीरो में 16 प्लस करो तो आपका आ जाएगा, जो पॉलीनोमियल दिया गया है यहाँ पर, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड हुआ आएगा पेपर में। हाँ, कि फाइंड जीरोस यहाँ पर है। क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्क्रीन का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, एक मिनट आप मुझे समय दें, स्क्रीन बार बार जो है वो खुद ही, जब आपकी स्क्रीन अवेलेबल नहीं है। जी बेटा, अभी हो जाएगी, दो मिनट में। आ गई मैम, ठीक है। यहाँ देखिए आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको यहाँ पर एक केस दिया गया है, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा है, सी एक्स प्लस डी, इसका आपने जो है वो जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा है अगर, तो ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से टफ लग रहे हैं, ठीक है, बाकी हम नहीं करेंगे ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है वो पूछा तो गया है, लेकिन आपको दिया भी गया है, आपको पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको पता है क्या पूछा गया है, कि जो आपको इन्होंने px दिया है, ऐसे देखिए px दिया है ना, और आपको एक x भी दिया है, x इक्वल टू जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस वन अपॉन थ्री, और px कितना है, तो px, चलिए क्वेश्चन का कर ही लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, पहला क्वेश्चन जो आपका है, px आपको दे के रखा है यहाँ पर 3x प्लस 1, ठीक है, और आपको x दे के रखा है माइनस वन अपॉन थ्री। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि चेक कीजिए, आपको यहाँ पर चेक करने के लिए कहा गया है कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो, कि जो ये x है ये इस px का जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और हमारा आंसर अगर जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे, ये इसका जीरो होगा, अगर इसका आंसर जीरो नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो है x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, ये हमारे पॉलीनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, थ्री है, एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है, और प्लस का वन, प्लस का वन। यहाँ देखिए थ्री जो है वो माइनस वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है कि न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाता है, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, यहाँ पर बच गया माइनस वन, यहाँ पर बच गया प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, जीरो आएगा। देखिए हमारा आंसर जीरो आ चुका है, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे पॉलीनोमियल का जीरो है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको दिया गया था, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल दिया है कि इसको इसको पुट करके बताओ, है ना, पर आपको जब पुट करने के लिए कुछ दिया ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो वो वाला मैंने आपको बताया। देखिए आपका क्वेश्चन है सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर आपको बोला कि इसका जो है वो फाइंड करो, इसके जीरोज कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना पॉलीनोमियल उठाइए, लिख दीजिए, और इसको किसके इक्वल कर दीजिए, जीरो जीरो के।
तो जीरो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, जीरो के इक्वल मैंने इसको कर दिया। अब क्या करना है, हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर तो सारे ही वेरिएबल है, है ना, सारे ही वेरिएबल है, पर क्वेश्चन में आपको जो है वो एक हिंट दे के रखा है, एक हिंट आपको दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि जो आपका सी और डी है, क्या हिंट दे के रखा है कि जो आपका सी और डी है वो रियल नंबर्स है और वो जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो सी और डी को ये कह रहे हैं कि ये जीरो नहीं हो सकते, तो मतलब हम पहचान जाएंगे कि जो जीरो नहीं है वो हमारा कौन है, एक्स, तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने इस एक्स की जो है वो वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको पहले अकेला छोड़ते हैं, इस एक्स ने यहाँ पर अकेले रहना था, पर इसके साथ डी भी है और सी भी है, तो इनको हम भेजते हैं इक्वल टू के उस तरफ, ठीक है। तो एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले मैंने सी एक्स लिखा, जीरो का जीरो, और डी जो है वो जीरो के उस पार जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे d माइनस जीरो, बिल्कुल भी नहीं, जो इक्वल टू के साथ बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल चिपक के है ना, जो पहले है, जो इक्वल टू के बिल्कुल बाद है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, वो यहीं पर ही रहेगा, इक्वल टू के, इक्वल टू से परे से जो भी नंबर आ रहा है वो उसके आगे जाएगा, ठीक है, उससे पीछे नहीं रहेगा। वो कहता है कि अगर तुझे आना है तो उस तरफ को जा, मेरी जगह कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो जीरो अपनी जगह पे बैठा है, डी आया तो माइनस का डी यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब एक्स के साथ सी है, x के साथ c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके c क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो वहां डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से पहले आप पहले इसका आंसर निकालें, जीरो में से माइनस के d को, सॉरी जीरो में से d को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा मैम, माइनस का d, माइनस का d, माइनस का d क्यों आया, क्योंकि आपको ऊपर ही कहा गया है कि d जीरो नहीं है, अगर d जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि d जीरो से बड़ा है, है ना, या फिर कुछ भी है मतलब, पर यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। जीरो में से हमने माइनस d को जो भी किया तो माइनस का d आएगा, और इस c को परे ले जाइए तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो इसका जो जीरो है वो कौन है, माइनस डी अपॉन सी। अब आप कहो कि हम कैसे इस पे विश्वास करें, तो बिल्कुल सिंपल है, आप इस एक्स की वैल्यू को वापस से अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, सी का सी मल्टीप्लाई बाय माइनस डी अपॉन सी, एक्स के प्लेस में मैंने लिख दिया है डी अपॉन सी, और प्लस का डी, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी बच जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो, जीरो। जब हमने इसको पुट किया तो हमारा आंसर जीरो आ गया, तो मतलब यही इसका जो है वो जीरो होगा। तो अभी हमने तीन चीजें यहाँ पर सीखी कि जीरोस क्या होते हैं, पॉलीनोमियल की वैल्यू कैसे निकाले, और पॉलीनोमियल का जीरो कैसे निकाले। प्लस का डी कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में है ना, ये देखिए हमने ना वापस से इस एक्स की वैल्यू को वापस से इसमें पुट कर दिया, हमने जब अपना जीरो निकाला तो हमने चेक करने के लिए किया है, ये क्या, ये हमने चेक करने के लिए किया कि इस एक्स को वापस से यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि सच में जीरो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे दुबार, आप हाँ, कर सकते हैं। मैम दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया बेटा पूरा क्वेश्चन, या फिर कोई एक स्टेप है पर्टिकुलर, मैम थर्ड का 6-7 क्वेश्चन समझा दीजिए, थर्ड मतलब थर्ड कौन सा मैम, 2.2 का थर्ड क्वेश्चन का 7, एक मिनट मैम हमें तो ये पूरा समझना है, ये क्वेश्चन 2.2 का थर्ड का 7, 5, 6, 7 ये वाला, यस मैम, ठीक है। तो इसमें अभी हम आते हैं, पहले नीचे वाला क्वेश्चन फटाफट से सीख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें कहा गया है कि जीरोस निकालिए किसका, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी के आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप अपने क्वेश्चन को लीजिए और इक्वल टू जीरो लिख दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को लीजिए और इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर तो सी और डी भी है ना, सी और डी, तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि सी और डी जो है वो जीरो नहीं हो सकते, वो रियल नंबर है, ठीक है, वो रियल नंबर है, या कुछ भी ऐसा करके आपको दिया होगा, तो आपने समझ जाना है कि इसके अलावा जो बच गया वो हमारा वेरिएबल होगा। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन चेक कर ले, वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा गया होगा सी और डी के बारे में, ठीक है। इसका मतलब एक्स मेरा वेरिएबल है तो मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ना होगा, तो पहले मैं इस डी को परे लेके जाऊंगी,
तो ये आ जाएगा जीरो, यहाँ पर ये प्लस का था वहां बन जाएगा ये माइनस का, जीरो माइनस डी, ठीक है। तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, और यहाँ पर देखिए एक्स को हमने यहाँ पर अकेला छोड़ना है, तो एक्स के साथ सी है, सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो एक्स की वैल्यू मेरी माइनस डी अपॉन सी आ चुकी है, इसका मतलब है कि जो माइनस डी अपॉन सी है वो मेरे पॉलीनोमियल का जीरो है। पर मुझे कैसे विश्वास हो, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को वापस से यहीं पे अपने पॉलीनोमियल में पुट कर लेते हैं। ये मेरा पॉलीनोमियल था, यहाँ पर हमने क्या किया इसको, बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ रखे। मोनिका यादव जी के नाम से बच्ची ज्वाइन है, बेटा आपका माइक ऑन है, ऑफ करें। बेटा माइक ऑफ करें तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अपना माइक ऑफ करें जो मोनिका यादव जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ अभी अभी। मैं आवाज सुनाई नहीं दे रही, ठीक है बेटा। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मोनिका यादव जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है मोनिका यादव जी के नाम से, वो अपना माइक ऑफ रखे, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। वो खुद ही लेफ्ट हो गए हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको वापस से पुट किया, तो ये आ गया c मल्टीप्लाई बाय माइनस डी अपॉन सी, क्योंकि x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी है, मैंने पुट कर दी है, और प्लस का d, c से c कैंसल आउट हो गया, माइनस का d बच गया और प्लस का d बच गया, प्लस के d से माइनस के d को भी कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा जीरो। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर जो है वो माइनस डी अपॉन सी ही होगा, ठीक है। तभी आपको समझ आया बेटा जिनका डाउट था। यस मैम। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सी का सी, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी, मैंने एक्स की जगह पे अब इसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी माइनस डी अपॉन सी, तो मैंने एक्स के प्लेस पे इसको लिख दिया, और प्लस डी का प्लस डी। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू पुट कर दिया और मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये सी है न्यूमिनेटर में, ये है डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाते हैं ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में, तो मैंने काट दिए, मैंने इन काटा, तो यहाँ पर बच गया माइनस का डी और यहाँ पर बच गया प्लस का डी, ठीक है। तो ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे ना, तो दोनों ही सेम है, डी में से डी को माइनस करो तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, जीरो आया है, और यहाँ पर क्यों कट गए, क्योंकि ये न्यूमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ठीक है। और ये माइनस डी अपॉन सी कहां से आया, तो ये एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी यहां पर निकाली थी, ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, तो अभी हम ओ वाला क्वेश्चन करते थे, एक बच्चे ने पूछा था, जैसे आप बताएं क्वेश्चन नंबर किसका, थ्री का मैम, थर्ड का सेवन क्वेश्चन मैम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, और बेटा यहां से तो स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। पी एक्स कितना है, तो वो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। क्वेश्चन पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा ही है ना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें पता करना है कि क्या इसके जीरोज हैं माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और दूसरा क्या है, टू बाय रूट टू मैम, रूट थ्री माइनस का है, माइनस का है ना वो भी, नो मैम वो प्लस का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए हमें कहा गया है कि चेक करो, चेक कीजिए कि जो आपका ये एक्स की जो वैल्यू है क्या ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या करेंगे हम चेक करने के लिए, मैम एक्स की जगह माइनस वन अपॉन में रूट थ्री लिख देंगे,
दोनों बच्चों का आंसर ठीक है जो बच्चे अभी कह रहे थे ठीक है। तो x के प्लेस पे हम जो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए x का हो रहा है स्क्वायर, क्या हो रहा है x का स्क्वायर, तो 3 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई होगा पहले मैं ये वाली जो है ये वाली वैल्यू ले रही हूँ, इनको हमने अलग अलग लेना है, एक साथ नहीं लेना है, अलग अलग ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/√3 और ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्यों किया क्योंकि देखिए x का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ये मेरा x है तो इसका भी स्क्वायर होगा और -1 का -1 स्क्वायर कर दीजिए, 3 का 3 रहेगा। और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ही कि रूट का स्क्वायर अगर हम करें तो कैसा होगा, देखिए यहाँ पर 1 को इसका अलग स्क्वायर दे दीजिए है ना, और रूट के 3 को इसका अलग स्क्वायर दे दीजिए है ना, और -1 तो बताइए सभी बच्चे ये तो 3 का 3 यहाँ पर आएगा और 1 का 1 और नीचे क्या होगा सभी बच्चे बताएं क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा है ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, कितना बचा 3, तो 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर है ना, और उसका ये क्या है, उसका ये क्या है -1 है तो -1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर से वही बात, ये न्यूमिरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना बच गया 1 - 1 तो कितना आ गया 0, तो इसका मतलब कि जो मेरा पहला है ठीक है, जो मेरा पहला है ये इसका 0 है ठीक है, पहला तो इसका 0 हो गया। चलिए अब सेकंड ट्राई करते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या है यहाँ पर देखिए 3x 3 का 3, x के प्लेस पे हम किसको पुट करेंगे अब 2, ये माइनस में नहीं है पक्का, ये पॉजिटिव में ही है, 2/√3 ठीक है, 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और -1 ठीक है। चलिए करें इसे सॉल्व, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3 - 1। अब फिर से यहाँ देखिए तो 3 न्यूमिनेटर में है 3 डिनोमिनेटर में है तो 3 से 3 कट जाएगा ठीक है, और यहाँ पर बच गया 4 - 1 और 4 - 1 होता है 3, तो क्या हमारा आंसर 0 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका, ये इसका 0 होगा या नहीं होगा, नहीं बेटा देखिए यहाँ पर एक मिनट मैम रिपीट करना, हाँ ये 3 था ना, ये एक्स था तो एक्स के प्लेस पे हम जो है अब इसे लिखेंगे, किसे लिखेंगे इसे ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 3x² - 1 हमारा क्वेश्चन है, 3 का मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स के प्लेस पे लिखेंगे हम 2/√3 ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा और आगे है -1 ठीक है। यहाँ देखिए 3 का 3 आएगा, इनको इनके अलग अलग स्क्वायर दे दीजिए, ये हमने पढ़ा है कि ये हमारा सेकंड जो आइडेंटिटी थी वो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी है ना, कि अगर दोनों के पास स्क्वायर है तो अलग अलग दे दो, और √3 को इसका कोई अगर क्लास के बारे में कुछ कह रहा है तो फिर से कहें बेटा आपकी आवाज नहीं आई, अगर आप कुछ और कह रहे थे तो अपना माइक ऑफ ही रखें ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का 3 रहेगा, मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो अपॉन में आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो अपॉन में आ गया 3 और -1 का -1 हम यहाँ पर ऐसे कैसा लिख देंगे ठीक है। अब देखिए 3 न्यूमिनेटर में है, 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये कट हो जाएंगे, 3 1 3 3 1 3 हमारे पास बच गया 4 - 1 और ये हमारे पास आंसर आ गया 3, लेकिन अगर 2/√3 इसका 0 होता तो ये हमें आंसर में क्या ला के देता, ये हमें आंसर में 0 ला के देता, पर इसने हमें आंसर में 0 ला के नहीं दिया तो मतलब ये इसका 0 नहीं है ठीक है, ये इसका 0 जो है वो नहीं है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है जो कि क्या था -1/√3 ये इसका 0 था, क्योंकि जब हमने इसको पुट किया था तो आंसर में क्या आया था, आंसर में 0 आया था ठीक है। तो अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछे, नो मैम ठीक है, और कोई क्वेश्चन, नो मैम। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं 2.4 की तरफ क्योंकि वो हमें करनी है अभी, एक मिनट, फिर से आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, स्क्रीन का बहुत इशू हो रहा है ठीक है, मैं उम्मीद है कि नेक्स्ट जब आपकी क्लास हो तो ये इशू ना हो ठीक है, एक मिनट मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी बेटा बस एक मिनट का मुझे समय देगी, बस एक मिनट का मुझे समय दे, स्क्रीन नजर आ जाएगी।
ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो 2.4 में आपको कहा गया है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको फैक्टर निकालने आते हैं तो आप जो है वो वाई टाइप कर दे, नहीं आते तो मुझे बता दें। फैक्टर निकालने के लिए बिल्कुल सेम ही जो है प्रोसेस। यस मैम। नहीं होती, एक मिनट मैम। यस ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फैक्टर कैसे पता करते हैं, है या नहीं। तो फैक्टर का मतलब भी क्या होता है कि जिससे आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आए, जिससे आपका पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, फैक्टर का मतलब भी यही होता है कि जिसको आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करें और इससे जो है वो आपका क्या आ जाए, आंसर जो है वो जीरो आ जाए। पर इसमें आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको पता करना है कि क्या एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है। ठीक है, आपको पता करना है कि क्या एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एक्स की वैल्यू बताइए। पहले आप जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू को बच्चों वन पुट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे माइनस वन। एक्स की वैल्यू को कोई भी बच्चा जो है वो वन पुट ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें अभी निकालनी है, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो है वो जीरो हमारा आंसर लेके आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट कर दें और एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर वन है, इस वन को वहां लेके जाए तो आ गया माइनस वन। आपने हमेशा याद रखना है, जो भी आपको फैक्टर निकालने के लिए दिया जाए आप कभी भी उसकी ऐसी की ऐसी वैल्यू उठा के ना लिखे। पहले उसे आप जीरो के इक्वल करें, सिर्फ x की वैल्यू निकाले और हमेशा जीरो के इक्वल ही आपने करना है। ठीक है, और x की आपने वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस वन आई। अब इसको पुट करें, अब इसको पुट करते हैं फटाफट से। यहाँ पर x का क्यूब है मतलब माइनस वन का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर है मतलब माइनस वन का स्क्वायर है। यहाँ पर x अकेला है तो मतलब माइनस वन अकेला है और यहाँ पर वन। तो जब भी हम वन का क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर ऑड हो पावर, कैसी हो, ऑड, तो आपका साइन जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब नॉट चेंज, आपका जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। अगर आपकी पावर इवन हो, कैसी हो, इवन हो, तो आपका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, साइन चेंजेस, तो माइनस का बन जाता है प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस का होगा, यहाँ पर ऑड पावर है तो माइनस का वन ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस को वन को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो वो तो वन ही रहेगा ना। लेकिन आप साइन देखिए तो साइन हमेशा क्या आएगा आपका, माइनस, क्योंकि ये ऑड पावर है। ठीक है, माइनस वन प्लस माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वन। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी पावर इवन होगी, 2, 4, 6, 8 होगी, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो वो प्लस का आ जाएगा। इसको बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हम इसको जो है बिना साइन के लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दो साइन एक साथ आ चुके हैं, इसको इसको बदलिए, इसको चेंज कीजिए, तो प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस माइनस वन, और ये प्लस वन का प्लस वन। अब चलिए इसको लिखते हैं, तो ये आया माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दो दो के यहाँ पर मैंने पेयर बना लिए हैं, आंसर जीरो आएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। हाँ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो पहले जो दो है मेरा, ये वाला जो पेयर है ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया जीरो। और ये वाला जो पेयर है ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारा आंसर जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स प्लस वन है वो हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था या फैक्टर है। ठीक है, पर बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप ना भूलें कि अगर आपको कोई भी फैक्टर पूछा गया, मान लीजिए आपको पूछा गया होता कि क्या x, एक मिनट बेटा, x माइनस टू अगर आपका क्या x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो आप क्या करते, आप x की वैल्यू कितनी पुट करते, मैम प्लस का टू, मैम प्लस का टू, वेरी गुड, जीरो करके, हाँ जीरो करके आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, अगर आपको आइडिया हो गया हो तो मेंटली भी कर सकते हैं हम कि ये माइनस का है तो परे जाके ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो इसको जो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो बस आपने यही चीज का ध्यान रखना, इसको आप कभी भी गलत ना करें। तो चलिए 5 मिनट है अभी हमारे पास, तो अभी हम क्या करें, आइडेंटिटीज करें थोड़ी, ताकि आपको आइडेंटिटीज सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो अभी मैं सारी की सारी आपको आइडेंटिटीज यहाँ पर लिख के बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपके सिलेबस में कौन सी आइडेंटिटीज है। और एक्स वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया कौन सा बेटा,
ठीक है, इसको हम क्लास के एंड में करते हैं, ठीक है, क्लास के एंड में आप रुक जाइएगा, तब करते हैं, अभी फटाफट से आइडेंटिटी कर लेते हैं ताकि जो चार मिनट है वो सभी बच्चे जो है अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। आप क्लास के एंड में जरूर रुकिएगा, फैक्टर वाला क्वेश्चन आपको समझना है क्योंकि पेपर में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए पहली आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चों को पता है, हमने पिछली क्लास में भी की थी, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर होता है, होल का स्क्वायर मतलब कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं हम होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन अगर नजर आए एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगाओगे, ये वाली, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी, तो इसी का उल्टा होती है वो, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, बस ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और अगली आपकी आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी थी, देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो था ना, वही है, हमने पिछली क्लास में ए प्लस बी लिया था, यहाँ पर हम एक्स और वाई ले रहे हैं, इतना सा इसमें डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अगर बोलूं तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो बताइए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती थी आइडेंटिटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और हमने पढ़ी थी पिछले कल की है वो भी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स दोनों में कॉमन है, एक बार ए है दूसरी बार बी है, तो क्या करते हैं हम एक्स का मैम एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर b और b आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, x और x मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए एक्स स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पर b और b मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो b स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ x का स्क्वायर आएगा, बाकी a प्लस बी एक्स एंड ए बी, ठीक है। चलिए अगली आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस वाई होल क्यूब, होल क्यूब यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, तो किसका, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहे तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हो, कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, पहली बार जैसे एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो सभी को पता है ऐसा होगा, है ना, लेकिन जब आप आगे लिखोगे तो पहले एक्स का स्क्वायर करो, वाई को ऐसे कैसा रखो, फिर थ्री एक्स एक्स को अकेला छोड़ो और वाई का स्क्वायर करो, ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सारी आइडेंटिटीज जो है वो आपके पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है, और आपको जो है ये आपकी बुक के पीछे मतलब आपके जो चैप्टर है उसके पीछे आपको समरी में ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लास्ट वाली आइडेंटिटी दोबारा समझाना, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस y cube. यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x cube plus y cube, ठीक है, जो आपने अभी पूछा उसका मैं आंसर दे रही हूँ अभी, x cube plus y cube लिख सकते हो, उसके बाद plus 3xy x plus y भी आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, पर ब्रैकेट लगा के आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसे ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम सेम है, तो आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें क्या है x का क्यूब y का क्यूब, उसके बाद थ्री दोनों में आएगा, थ्री दोनों में आएगा, पहले वाले थ्री में x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर नहीं करना है, दूसरे वाले में x का स्क्वायर नहीं करना है, y का स्क्वायर करना है, पहले x का स्क्वायर किया है तो दूसरी वाली में y का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बस थोड़ा सा याद करने का तरीका बताया, ये है। और एक और आइडेंटिटी जो कि लास्ट है वो है, लास्ट है बस, ठीक है, लास्ट है एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी भी आपको देखने को मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे ये बनी है, ठीक है, इससे ये बनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स,
ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है, आप इसे अपनी बुक में जो है वो जरूर देखिए, अपनी कॉपी पे जरूर देखिए, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए, आपको फिलअप में भी आ सकती है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपकी हेल्प ये करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, आपके सेट एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप अपने एग्जाम दें, ठीक है मैम। एक लास्ट मैम वो ब्रैकेट वाली वो बताना दोबारा से आइडेंटिटी। एक मिनट अभी सभी बच्चे कुछ एक बात मेरी सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी अब वो 8 अगस्त को होगी, ठीक है बच्चों। आपके सेट एग्जाम है इसलिए आपकी क्लासेस हम नहीं ले रहे हैं, जिन बच्चों के सेट एग्जाम है उनकी क्लासेस नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के सेट एग्जाम नहीं भी है उनको भी अभी हमने जो है छुट्टियां दे दी है, ठीक है। तो 8 तारीख को जो है वो आपकी क्लास होगी 8 अगस्त को, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने सेट एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे से अपने एग्जाम जो है वो क्लियर करें, ठीक है। तो अभी देखिए जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में रुके रहे हैं, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैम जो 2.5 है उसका फोर्थ